अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपको मिक्स वेजिटेबल बनाने की रेसिपी देती हूँ। पहले तो मैं माज़रत चाहती हूँ लेट रेसिपी ऐड करने की, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी जिसकी वजह से मैं अपनी नई रेसिपी नहीं डाल सकी। मुझे पता है कि मैं देखने वाले बहुत बेचैनी से मेरी न्यू रेसिपी की इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि ना लेट हो। चल तो अब मैं आती हूँ अपनी मिक्स वेजिटेबल की तरफ। मैंने यहाँ पे फ्रोजन मिक्स वेजिटेबल ली है, जिसके अंदर ये गोभी, गाजर, मटर, एवरीथिंग सब कुछ इसके अंदर मैंने ऐड किया हुआ है। सब ऐसे ही मिक्स ही मिलती हैं। फिर मैंने ये तीन आलू लिए। आलू को मैंने इस तरह छील के, आप इसके छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। फिर उसके साथ ही हमें एक प्याज चाहिए, ये नॉर्मल साइज का ऑनियन है। ये थोड़ा सा कोरिएंडर फ्रेश लीजिएगा, जैसे भी आप यूज करती हैं। ये चिली है मेरे पास, 3-4 चिलीज है मेरे पास। फिर ये मसालों में हमेशा मेरे सिंपल मसालों की तरह, ये भी वेजिटेबल बहुत सिंपल मसालों से बनेगी, जिसके अंदर ये रेड चिली पाउडर है, ये टर्मरिक पाउडर है और ये सॉल्ट है। फिर इसके अंदर ये मेरे पास करी लीव्स हैं, जो कि मैंने 2-3 करी लीव्स लिए हैं, और 1/2 टीस्पून या के करीब मैंने जीरा, साबुत होल जीरा लिया है। तो आइए अब हम अपनी कुकिंग की तरफ चलते हैं। आप ये कीजिएगा कि इसके स्लाइस नहीं करने, आज ऑनियन को हम बारीक बारीक चॉप करेंगे। जीरा हल्का हल्का सा ये ब्राउन करना है हमने, बिल्कुल ज्यादा इसको जलाना नहीं है, बस लाइट सा आपने इसको ब्राउन कर लेना है। हाँ जी, तो जब फिर हमने साथ ही इसके अंदर ऑनियन ऐड कर देनी है, इस तरह से बारीक कर लीजिएगा, ऑनियन स्लाइस ना कीजिएगा इस तरह, ज्यादा वेजिटेबल में अच्छे लगते हैं बारीक काट के अगर आप ऑनियन डालेंगी तो। देखिए बस अब हम इसको लाइट सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं कलर देना, क्योंकि वेजिटेबल में कभी भी ऑनियन जो है वो डार्क कलर के अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो इस वजह से कि वेजिटेबल का जो कलर है वो भी डार्क हो जाएगा अगर आप अपने ऑनियन बहुत ज़्यादा डार्क कर लेंगे। तो इसके साथ ही मैं आज आपको, जब तक कि ऑनियन ब्राउन होते हैं हमारे, तो आज का मेरा टिप ये है कि सर्दियों के मौसम में हम लोगों की जिल्द जो है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, हाथ पांव और फेस की बहुत प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को, कि हमारी स्किन बहुत ड्राई हो गई है। तो इसका भी मैं आपको एक हल बताती हूँ, बहुत आसान इसका हल है। वो ये कि आपने ये करना है कि जो भी आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करती हैं फेस के लिए, हाथों के लिए और पांव के लिए, उस क्रीम के अंदर आपने थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद फिर आपने उसको फेस पे, पाँव पे और हाथों पे अप्लाई करना है, और नाइट टाइम कीजिएगा सोने से पहले, और सुबह आपने वो वॉश कर ले। आप देखेंगी कि आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट होगी, जैसे बेबी स्किन होती है। तो ये आज का मेरा न्यू टिप था, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये टिप बहुत पसंद आया होगा। अच्छा, ये हमारे देखिए ऑनियन जो है वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके साथ ही हम अपने आलू ऐड करेंगे इसके अंदर, तो थोड़ा सा हम ब्राउन से कर लेंगे आलू को इस तरह से। और साथ ही मैं इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर और चिली पाउडर, उसके अंदर ये मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया है, ताकि अगर आप जब ड्राई मसाले इस तरह ऑयल के अंदर डालती हैं तो वो एकदम से जल जाते हैं। तो अगर आप पानी डालकर ऐड करेंगी तो आपके जो मसाला है वो कभी भी जलेगा नहीं। अब मैं इसके अंदर ये शामिल कर दूंगी और फिर हम इसको भूनेंगे। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आएगा।
बस हल्का सा हमने देखे इसको मसाले में भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना। फिर साथ ही हम ये जो मिक्स वेजिटेबल है वो सारी इसके अंदर डाल देंगे। ये मिक्स वेजिटेबल डालकर आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर चाहे तो आप इसको एक मिनट का प्रेशर कुकर दे दें। अगर आप प्रेशर कुकर नहीं देना चाहती तो फिर आप ये करें कि आप इसको हल्की आंच पे पहले तेज आग करके फिर इसको हल्की आग पे आप तकरीबन 20-25 मिनट के लिए रखें। तब तक रखें जब तक आपकी वेजिटेबल और आलू गल नहीं जाते। तो अब हम इसको हल्की आग पे छोड़ देते हैं। हाँ जी, हमारी ये वेजिटेबल जो है ये बिल्कुल गल चुकी है, आलू भी सब कुछ, और इसका हल्का हल्का सा ऑयल भी निकला है। बस अब हम इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम इसका ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद फिर मैं इसके अंदर धनिया और ग्रीन चिली से इसको गार्निश करूँगी। ठीक है, पहले इसको अच्छी तरह से हम भून लें। तो हमारी मिक्स वेजिटेबल आप बिल्कुल रेडी है। देखिए आपको साइड से ऑयल भी नज़र आ रहा होगा। जब इस तरह से खाने में ऑयल निकल आए तो आप समझे कि आपका जो खाना है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। बाज़ लोगों के पास मुझे पता है टाइम नहीं होता कि वो वेट करें कि भाई हम वेजिटेबल गलने का या मीट गलने का वेट करें। आप प्रेशर कुकर जो लोग नहीं भी यूज़ करते आप इस तरीके से जिनके पास टाइम है वो टाइम दें, और जिनके पास टाइम नहीं है वो इस तरह प्रेशर कुकर में बना लें। बहुत ही झटपट और आराम से बन जाने वाली ये सब्ज़ी है। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया दे और ग्रीन चिली की गार्निश करूंगी, और इसका और भी ये देखने में मज़े की लग रही है। ये देखिए हमारी मिक्स वेजिटेबल बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। तो उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।